हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही सुंदर सा बीच मांग के साथ साड़ी के लिए बहुत ही यूनिक सा ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो सबसे अच्छी बात की है, छोटे वालों पर भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप मिरर में देख रहे हो मेरे बाल काफ़ी शॉर्ट हैं, तो इतने शॉर्ट हेयर पर भी आप काफ़ी सुंदर सा बन बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है अपने बालों की। इस तरीके से ईयर के पीछे तक थोड़े से बालों की पार्टिंग ले लेनी है। उसके बाद से बाकी बचे बालों को आपको सिंपली अच्छे से पकड़ना है और एक पोनी बना लेनी है। पोनी को ना ही ज़्यादा लो बनाना है ना ही ज़्यादा हाई बनानी है। इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने पोनी को बना लिया है। अभी आपको यहाँ से थोड़े थोड़े हेयर को अपने खींचना है। ओके, हेयर को खींच के थोड़ा सा पफ का लुक दे देना अपने बालों में, जिससे वॉल्यूम दिखे बालों में। उसके बाद से अपना जो आपने डोनेट लिया है, इसको सिंपली इस तरीके से फ्लैट करना है, ऊपर के थोड़े से हेयर छोड़ते हुए। ऊपर के हेयर इस तरीके से, जो पोनी के हेयर हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके, जो हेयर ऊपर के हेयर बचे हैं उसमें इस तरीके से डोनेट को लपेटना है। ओके, डोनेट को लपेट के आप यू पिन से इसको सेट कर दोगे। ओके, इतना करने के बाद से जो आपके हेयर बचे हुए हैं, बचे हुए जो हेयर हैं इनको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन क्रॉस करके नीचे की तरफ से लेके आना है और बन पे, जैसे ये क्रॉस कर दिया मैंने इधर के हेयर छोड़ के, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए बन के ऊपर से लेके जाएंगे और नीचे ले जाके यू पिन से सेट कर देंगे। ओके, सेम उसी तरीके से इस साइड के हेयर को भी करना है, ट्विस्ट करना है और बन के चारों तरफ से लेके आना है और नीचे की तरफ ले जाके यू पिन से इसको सेट करना है। अभी बारी आती है हमारे, जो हमारा फ्रंट का हेयर बचा हुआ है उसकी, उसको कैसे सेट करना है वो ध्यान से देखिएगा। सिंपली अपना एक साइड का हेयर ले लेना है, अच्छे से कॉम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको इस तरीके से। ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और इस साइड से बैक साइड में लेके जाएंगे, इस ऊपर की तरफ से लाएंगे और ये बन के दूसरी साइड से ले जाके यू पिन से सेट करेंगे इसको भी। ठीक है, फिर से जो दूसरे साइड के हेयर हैं इसको भी आपको सिंपली कॉम करना है। मैं यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं निकाल रही हूँ, आपको लेयर्स चाहिए तो आप निकाल सकते हो। और फिर से इसको भी दूसरी साइड से क्रॉस करते हुए बन के ऊपर लेके जाना है और यू पिन से सेट कर देना है। लगभग आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप दो तीन यू पिन लगा लीजिएगा ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। एक यू पिन मैं ऊपर से भी लगा ले रही हूँ। इसके बाद जो आपका फ्रंट का हेयर है इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से कॉम करते हुए कॉम कर दोगे और ये आपका बन बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा मैं हेयर को खींच दे रही हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा पॉप का लुक आ जाए और ये हमारा फाइनल लुक है। लेयर्स आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। अगर आपको लेयर्स निकालने हैं तो निकालिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो ऐसे ही। अच्छे से कॉम करके आप चाहो तो इसको टिक टेक क्लिप से सेट कर सकते हो ताकि ये आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। तो मैं यहाँ पे एक बॉबी क्लिप लगा दे रही हूँ, इस साइड भी लगा लीजिएगा। और जो बीच का मांग है वहाँ से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से खींचेंगे
और ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। तो कैसा लगा आप लोग को आज का हेयर स्टाइल? है ना बहुत ही इजी और स्टाइलिश सा। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके के यूनिक स्टाइलिश वन हेयर स्टाइल देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।